क्या होता है? आप लोग, सब लोग आंखें बंद कीजिए जल्दी से, यहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, ठीक है? आप लोग जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का कलर याद है? इमेजिन कर लिया? ओके, जब मैं चुटकी बजाऊंगी तो चेंज इट टू पिंक कलर, बिना आंखें खोले, टू ग्रीन, पर्पल, पिंक, कर पा रहे हैं आप लोग? जस्ट शो मी योर हैंड्स, थम्स अप दिखा दीजिए हाथ से ही, सब कर पा रहे हैं, है ना? पता है आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप अपने रूम को जानते हो, सिंपल, राइट? अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी जो क्लासरूम था वहां पर कितने डेस्क थे जब आप स्कूल जाते थे, किसी को याद है? नहीं, क्यों? दिस इज कॉल्ड द थिंग NLP, जो चीजें हमें याद रखनी होती हैं, जिस चीज से हम परिचित होते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है, यू कैन प्ले विद देम, राइट? और जिन चीजों की इंपॉर्टेंस कम होती है ना, अभी स्कूल डेज कौन याद रखना चाहता है? डेस्क तो कोई याद नहीं रखना चाहता, जहां बड़ी बड़ी बुक्स, बैग्स, यू नो, इतना सब रखा होगा, वो तो कोई याद नहीं रखना चाहेगा। कुछ पर्टिकुलर यादें होंगी जो आप याद रखना चाहोगे, बाकी सब आप क्या करोगे, या तो डिलीट कर दोगे या उसको दूसरी तरीके से याद रखोगे, है ना? यही होगा ना? अच्छा, चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको मैं ये कहूं कि आप अपने बच्चे की आवाज सुनिए इसी वक्त, आंखें बंद कर, सबको आवाजें आ रही हैं, राइट? गाड़ी की आवाज जब स्टार्ट होती है ना कार, उसकी आवाज, कोयल की आवाज, ग्रेट। अभी सबको कोयल, सब चीजें दिख रही हैं, है ना? है ना? अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि एक जगह पर एक चीज खड़ी हुई है, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, और उसका नाम मैं आपके सामने लूंगी, ठीक है? एंड दैट इज द लायन। उसके बारे में नहीं सोचना है, देखना भी नहीं है उसको, आप देख ही नहीं रहे, आपको दिख गया सबको लायन? दिखना ही था, जो मना करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे दिमाग के लिए ना, एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो ये होती है, वो नहीं शब्द जानता ही नहीं है, पता है आपको ये बात? आप जिस चीज के लिए मना करोगे वो सबसे पहले वो करेगा। सो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? जो चीज के लिए आप मना करोगे हम वही करेंगे, बच्चे जैसे होते हैं ना, है ना, वैसे ही होता है दिमाग, मंकी माइंड बोला जाता है इसको, राइट?